नमस्कार, नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। तो आज मैं आप सभी के साथ फिश बॉल्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, तो फिर चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने रुई मछली ले लिया है 4 पीस। अब हम इसे बॉईल कर लेते हैं। आप कतला मछली से भी बना सकते हो। इसे हम ढककर 10 मिनट तक बॉईल कर लेते हैं। 10 मिनट हो चुकी है, ये देखिए अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है मछली। अब हम एक एक करके निकाल लेते हैं इसे। अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं। ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसका स्किन निकाल लेते हैं। इस तरीके से बॉईल करने से स्किन और कांटे बहुत ही इजीली निकल जाती हैं। अब हम एक एक करके कांटे अलग कर लेते हैं। ये देखिए फिश बॉल्स बनाने में सबसे झंझट वाला काम यही है, मछली में से कांटा अलग करना। लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि गले में फंसने का डर रहता है। बहुत ही केयरफुली से निकालना है, एक भी कांटा नहीं रहने देना है इस पर। तो यहाँ मैंने सभी मछली में से कांटे अलग कर लिए हैं और मैंने ले लिया है एक मीडियम साइज़ का कटी हुई प्याज, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन यानी कि प्याज पत्ती और थोड़ा सा फ्रेश हरी धनिया। तीन से चार कटी हुई हरी मिर्च, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक अंडे का पीला भाग, नमक स्वाद अनुसार, आधी छोटी चम्मच काला नमक, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, आधी छोटी चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप उबले हुए आलू भी डाल सकते हो। नींबू के रस से मछली का कच्चापन का फ्लेवर दूर हो जाता है। अब हम सभी को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। यहाँ मैंने सभी को मिला लिया है। अब हमें हाथों को ग्रीस कर लेना है इस तरीके से, ताकि हाथों में ना चिपके। इस तरीके से एक एक बॉल्स बना लेना है, छोटा बड़ा अपने मर्जी के अकॉर्डिंग। आप इसे चपटा भी रख सकते हो अगर चपटा रखना चाहते हो तो। तो ये देखिए इस तरीके से स्मूथ बॉल्स तैयार कर लेना है हमें। ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। यहाँ मैंने सभी बॉल्स को रेडी कर लिया है और यहाँ मैंने ले लिया है एग वाइट और थोड़ा सा नमक डाल दिया इस तरीके से। अब इसे मिला लेना है इस तरीके से। यहाँ मैंने वही पीला भाग निकाला हुआ एग वाइट ले लिया है और 1/4 कप सूजी ले लिया है सेमोलिना। अब एक एक बॉल्स को हमें पहले एग वाइट में इस तरीके से डिप कर लेना है और सूजी में इस तरीके कोटिंग कर लेना है। सूजी डालने से बहुत ही क्रिस्पी बनती है। आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हो, ब्रेड क्रम्स में भी कोटिंग कर सकते हो। ये देखिए एक एक करके हमें सभी बॉल्स को रेडी कर लेना है। ये देखिए फिर से रिपीट वही करना है, पहले एग वाइट में डिप करना है, फिर से सेमोलिना में डिप कर लेना है। इससे बहुत ही क्रिस्पी होता है। इस तरीके से सभी बॉल्स को मैंने रेडी कर दिया। यहाँ मैंने तेल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हमें एक एक करके तेल में डाल देना है इस तरीके से। एक साथ सभी को फ्राई नहीं करना है,
अब हम 1 से 1.5 मिनट तक इसे रख देंगे और इसे इस तरीके से पलट देंगे। इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेना है। इसे फ्राई करने में 2 से 3 मिनट का ही समय लगता है क्योंकि ये पहले से ही कुक्ड है। फिर से इसी प्रोसेस से हम इसे फ्राई कर लेते हैं। अगर आपके बच्चे मछली खाना पसंद नहीं करते हो तो इस तरीके से आप उसे मछली खिला सकते हो। एक बार ज़रूर ट्राई करना। कैसा बना, कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखिए, ये भी फ्राई हो चुकी है। ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया लगता है। अब मैं आपको अंदर का टेक्सचर दिखाने वाली हूँ, अंदर कैसा बना है। ये देखिए, अंदर से भी बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है ये। आप इसे सॉस या फिर हरी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हो। उम्मीद है आज का रेसिपी आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।